सर, ये डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से सर सालों के सर कहाँ हो आप? अरे ये लाश कहाँ चली गई? कमाल है, मुझे पोस्टमार्टम में हेल्प के लिए बुलाया, खुद लाश लेके गायब। ये क्या है? अब बस 10 घंटे बचे हैं, कल सुबह 8 बजे तक विक्की हमें सारे सबूत देगा और उन सबूतों से हम उसकी गैंग और उसकी गैंग के लीडर रॉकी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है और रॉकी को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसकी चिंता तुम लोग मत करो, प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी है। विक्की, 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 रुको। विकी, 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 जल्दी से अलार्म शुरू करो और सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाने पाए। विकी, विकी, स्पेशल टास्क फोर्स के इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई इस आदमी को मार के चला गया और आप लोगों ने किसी को देखा भी नहीं। जी नहीं। वैसे है कौन ये आदमी? सर ये विकी है, ये गैंग का मेंबर था जो पैसे लेकर बड़े बड़े लोगों का खून करते थे, ये उसे पकड़वाने वाला था। इन्फॉर्मर बना लिया था इसको? जी सर, हमने इसे विटनेस प्रोटेक्शन अग्रीमेंट के तहत यहाँ रखा था। सर ये हमें गैंग लीडर रॉकी और उनके पावरफुल साथियों के बारे में बताने वाला था। सर आसपास कोई सबूत तो नहीं मिला। वैसे हुआ क्या था, कैसे मौत कैसे हुई इसकी? सर वो यही बाहर बैठे हुए थे, घर के सारे खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे, घर के चारों ओर गार्ड्स तैनात थे, ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया, फिर अचानक ये चिल्लाते हुए बाहर आया, यहाँ गिर गया और फिर मौत हो गई इसकी। विकी को रखा कहाँ था आप लोगों ने? अंदर, आइए सर। खाने में कोई बाहर की चीज तो नहीं खाई थी इसने? नहीं सर, खाना चेक करके दिया था। इस रूम। एक्सक्यूज मी। खिड़की खुली हुई है, जब गार्ड लोग यहाँ पे राउंड ले रहे थे मौका देके खूनी यहीं से अंदर आया, अपना काम किया और खिड़की से बाहर। बाहर जंगल है, आसानी से छुप सकता था। जंगल में चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। खूनी ने इस इलाके को पहले अच्छे से छान मारा होगा ताकि सेफ हाउस पहुंचने का सही वक्त और तरीका उसे पता चल सके। यहीं कहीं छुपके बैठा होगा, देखो ध्यान से। सर आने के सर ये जगह थोड़ी साफ लग रही है। सर हो सकता है वो खून यहीं छुपके बैठा हो। अगर हमारा खून यहीं पे था तो उसने कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा होगा हमारे लिए। चेक करो सर। सर सर यहाँ पे खून लगा हुआ है सर। सूखा है, शायद खूनी का ही होगा। खून का सैंपल ले लो। थैंक यू। क्या हुआ था सर आपको? क्या हुआ सालुके? पता नहीं सर, जब मैं अंदर आई तो सालों के सर बेहोश पड़े हुए थे वहां उस तरफ, और विकी की लाश भी गायब थी। या सालुके क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी तुझे? डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए।
ये विक्की की लाश कहाँ गई? यार सानू के बता ना, और तू बताता क्यों नहीं? विक्की की लाश कहाँ गई सानू के? क्या बताऊँ यार, मैं बहुत हैरान हूँ। किस बात की हैरानी सानू के? प्रतिमान, तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं लाश को चेक कर रहा था, उसी वक्त अचानक विकी, विकी, विकी रुको। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक लाश फिर से जिंदा हो गई, आप पर वार किया और अपने पैरों पर चल के यहां से बाहर चली गई? हाँ दया, हाँ ऐसा ही हुआ है। देख सानू के, बुरा मत मान, मुझे लगता है किसी वजह से तेरे सिर पर चोट लगी जिसकी वजह से तू ये अनाप शनाप बकने लगा है। मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बक रहा हूँ बॉस, माना कि मेरे सर पे चोट लगी है, लेकिन मैं फिर भी पूरे होशो आवास में हूँ और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूँ। तुम बाहर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ठीक है फ्रेडी, जाओ जल्दी चेक करो। यार सानू के एक बात बताए, मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं भी हैरान हूं यार कि एक मरा हुआ आदमी आज कैसे जिंदा हो गया। फ्रेडी, डॉक्टर सानू के हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं बस, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी बात साबित नहीं कर दूं। देख सानू के, सर लेकिन विकी की मौत तो 10 घंटे पहले हो चुकी थी ना, पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसने दम तोड़ा था। ये बात मुझे मालूम है तारिका, डोंट टेल मी, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि विकी जिंदा है। सर सालू के साहब की बात सही है सर, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, विकी खुद अपने पैरों से चलकर फॉरेंसिक लैब से बाहर गया। अब आ गया ना विश्वास, विकी जिंदा है। दया, अगर ये विकी जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर इस विकी के पास कुछ खास सबूत थे जो क्राइम ब्रांच को चाहिए थे, और इसीलिए किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर उन लोगों को पता चला कि ये मरा नहीं और अब भी जिंदा है, तो वो लोग उसे फिर से जान से मारने की और सबूत हत्याने की कोशिश जरूर करेंगे। सर तब तो हमें विकी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, इससे पहले कि वो लोग विकी तक पहुंचे, हमें विकी को ढूंढना होगा, पता लगाओ ये विकी है कहाँ। सर विकी के घर पे तो ताला लगा है सर। अरे वो दिख रहा है निखिल, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि विकी के बारे में कोई सबूत मिल सके, जिससे उसकी असलियत का पता लगे कि उसने मरने का ढोंग क्यों रचा। घर छान मारो उसका। अंदर एक चिट छुपा के रखी है, टोनी का कुछ नंबर लिखा है, शायद उसका अधूरा मोबाइल नंबर है। ऐसा तो नहीं कि ये टोनी
विकी का दोस्त? हाँ, जान पहचान वाले तो हो गए। सर सर, घर के अंदर से लैपटॉप मिला सर, खोलने की काफी कोशिश की लेकिन लॉक्ड है सर। लेकिन इस विकी को कैसे ढूंढेंगे? जीपीएस से। जीपीएस से? हाँ, इस जीपीएस सिस्टम से पता चल जाएगा ये कार पिछले दिनों कहाँ कहाँ गई है। देखा, पिछले दो हफ्तों में यह कार कई बार कमला नगर गई है। एक काम करो, ये लैपटॉप ब्यूरो में भेज दो और कमला नगर जाके देखना होगा कि विक्की वहां पे किससे मिलने जाता था। सर यही वो बिल्डिंग है जहां विक्की आता जाता था। अरे भाई सुनो, तो ये फोटो देखो, इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है क्या? हाँ साहब, ये आदमी कई बार टोनी साहब से मिलने आता था। टोनी साहब ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? हाँ साहब, रहते तो यही है लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? साहब टोनी साहब कल ही गुजर गए। ओ, क्या फ्लैट नंबर क्या है उनका? फ्लैट नंबर 402। Yes? कहिए। हम लोग CID से हैं। CID? जी, हमें टोनी के परिवार वालों से कुछ पूछताछ करनी है। ये टोनी की वाइफ है नम्रता। जी कहिए सर, क्या बात है? माफ कीजिएगा, आपको ऐसे मौके पे परेशान कर रहा हूँ, पर हम लोग यहाँ एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आए थे। इस आदमी को पहचानती हैं? नहीं। नहीं? पर आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि ये आदमी कई बार टोनी जी से मिलने आता था। मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गई थी, अभी दो दिन पहले ही लौटी हूँ, शायद टोनी से जानता होगा। वैसे मौत कैसे हुई टोनी की? पता नहीं सर, ये सब बहुत अचानक हुआ, हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। सर कल दोपहर में किसी ने बहुत जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया, हम लोग बाहर निकले तो देखा टोनी जमीन पर तड़प रहा था, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया लेकिन डॉक्टर साहब के आने से पहले ही टोनी ने दम तोड़ दिया था। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं ऑफिस में थी सर, डॉक्टर ने बोला उन्हें हार्ट अटैक आया था। जहां तक मैं जानती हूँ टोनी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सर टोनी की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे विक्की की मौत हुई थी। दोनों की मौत का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। टोनी की लाश को कब्र से बाहर निकालना होगा। बाहर निकालो इसको। समझ गया। रखो। माय गॉड, तो इसके नाखून देखे आपने? नाखून पे खून है? एक ये देखा, खरोचने का निशान,
मतलब टोनी ताबूत के अंदर जिंदा था? बाहर निकलने की कोशिश भी की बेचारे ने। सर, ये विक्की भी मरने के बाद जिंदा हो गया था और ये टोनी भी। सर, ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है निखिल, लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। यार, जब से वो चिट्ठी मिली है ना, तब से डीसीपी चित्रों ने गायब है। समझ में नहीं आता वो गायब हुआ कहां। सर, आप रुई। सर, विक्की के लैपटॉप में वो फाइल्स एक कोड के जरिए लॉक थी। वो कोड मैंने तोड़ दिया सर, ये देखिए। ये किस चीज का नंबर हो सकता है? अरे, ये क्या, अचानक सारी की सारी फाइल्स डिलीट कैसे हो गई? लगता है उसने ऐसा कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल किया था इसमें कि जैसे कोई फाइल्स को चेक करें तो जो डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाए। 21B21B, जरूर किसी न किसी चीज का कोड नंबर है दया, ये जरूर कोई कोड नंबर है। सर, सर, टोनी और विक्की के वापस जिंदा होने का राज पता चल गया। ग्रेट, मैंने कहा था ना दया, जब तक इस बात की तय तक वो नहीं पहुंचेगा सारू के चुप नहीं बैठेगा। अब कैसा है वो? अभी ठीक है सर, फिलहाल आराम कर रहे। गुड। अच्छा, क्या पता चला? सर, हमें टोनी के लाश में से एक खतरनाक जहर के कुछ अंश मिले। ये जहर एक खास किस्म की स्पाइडर में होता है जो साउथ अमेरिका के कुछ देशों में पाए जाते हैं। कैसे जहर है ये? ये जहर 10 से 12 घंटे तक इंसान को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। उसके हार्ट बीट, पल्सेस इतने कम हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इंसान मर चुका हो। तो जरूर ये जहर टोनी और विक्की को दिया गया था। किसी न किसी तरीके से ये जहर दिया गया था इन दोनों को और सबको लगा कि वो दोनों मर चुके जबकि वो जिंदा थे। अगर ये जहर ज्यादा मात्रा में होता तो मौत भी हो सकती थी। हाँ, मगर ये बात तो पता चल गई होगी ना उस डॉक्टर को जिसने टोनी को चेक किया। हाँ बिल्कुल। मगर सर, नम्रता जी ने बताया कि टोनी की मौत डॉक्टर के हिसाब से हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, तो फिर बिना चेक किए डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? झूठा डेथ सर्टिफिकेट दिया गया उसने, झूठा डेथ सर्टिफिकेट। जरूर ये डॉक्टर उस खूनी से मिला हुआ है। सो और एक बात, सेफ हाउस के पास से जो आप लोग ब्लड सैंपल्स लाए थे उसे भी हमने टेस्ट किया। उस खून में से हमें सोडियम पेंटाथोल नाम का एक केमिकल मिला। सोडियम पेंटाथोल? वो क्या होता है सर? पूरी सोडियम पेंटाथोल एक सीरम है, इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। ट्रुथ सीरम ये खतरनाक गुनहगारों को दिया जाता है अगर उनसे सच उगलवाना हो तो। इंजेक्ट किया जाता है ये सोडियम पेंटाथोल। तब तो सर हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन गुनेगार जेल से फरार है और जिसको हाल ही में ये ट्रुथ सीरम दिया गया था। हाँ दया, और फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि इस गुनेगार का टोनी के साथ क्या संबंध था और फिर विक्की की जान के पीछे ये क्यों पड़ा है। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस केस में डॉक्टर जरूर मिला हुआ है। छुपा कहाँ हुआ है? How are you?
कीजिए, फाइंड कीजिए। अब बताइए क्या चक्कर ये सब, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ है? कुछ दिनों पहले एक नकाबपोश आदमी मेरे घर में घुस आया और उसने मुझसे कहा कि जब भी टोनी के घर बुलाया जाए तो मैं उसे झूठा डेथ सर्टिफिकेट दे दूं। तुमने उस आदमी को मना नहीं किया? मना किया था, लेकिन उसने मेरे शरीर पर बम लगा दिया था और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे शरीर के चीथड़े चीथड़े कर देगा। मैं डर गया था सर। कौन था वो आदमी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बरसों से टोनी का फैमिली डॉक्टर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ कैसे बताता, कैसे करता सर? वो आदमी मुझे यहां बंद करके चला गया। ये चेन आपकी है? जी नहीं सर, ये चेन मेरी नहीं। सर हो सकता है ये चेन उसी आदमी की हो जिसने डॉक्टर वीरेन को बाथरूम में बंद करके रखा था, भागते वक्त गिर गई होगी। हेलो, हाँ अच्छा, वेरी गुड, ओके थैंक यू। वो जहर साउथ अमेरिका से कौन लेकर आया है उसका पता चल गया है। अरे सर आप क्यों, आपको किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं, आपको टोनी के खूनी का पता चला? जी हाँ। कौन है आप? What? आप हैं टोनी की खूनी? मैं? टोनी मेरा पति था और भला मैं उसका खून क्यों करूंगी? तो फिर आप पति पत्नी के बीच प्यार कम और झगड़े ज्यादा क्यों होते थे हैं? ये आपसे किसने कहा? देखिए नम्रता जी, हम लोग सीआईडी वाले हैं, अपनी आंख कान और दिमाग हमेशा खुले रखते हैं। थोड़ी बहुत पूछताछ की आपके पड़ोसी से तो उन्होंने आपकी प्यार भरी कहानी डिटेल में बता दिया हमें। सर माना कि मेरा और टोनी का झगड़ा होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने टोनी को मारा। चलिए इतना तो माना कि झगड़ा होता था, अब ये भी मान लीजिए कि आप विक्की को जानती हैं। देखिए सोच समझ के बोलना, गलती सुधारने का आखिरी मौका दे रहा हूं, हाँ या ना? हाँ हाँ जानती थी मैं इसे, ये वो आदमी जिसने मेरे और टोनी के बीच में जहर घोल दिया था और इसलिए आपने पहले विक्की को और फिर टोनी को जहर देके मार दिया। जहर? जी हाँ, टोनी और विक्की की मौत एक ऐसे जहर से हुई है जो एक खास किस्म की मकड़ी में पाया जाता है और ये खास किस्म की मकड़ी सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और इत्तेफाक की बात ये है कि कुछ दिनों पहले आप भी साउथ अमेरिका गई थी। हाँ लेकिन मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गई थी, ट्रस्ट मी मैंने विक्की और टोनी का खून नहीं किया है। वैसे आप विक्की से इतनी नफरत क्यों करती थी? उस रात मैं बहुत गहरी नींद में थी जब विक्की की आवाज ने मुझे जगा दिया। देख तू ऐसे मना मत कर यार टोनी, तुझे अपनी पुरानी दोस्ती की कसम, भूल गया तू मैंने कैपिटल में तुझे कैसे बचाया था? मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन मैं झमेले में फिर से नहीं पड़ना चाहता। तुझे झमेले में कहां डाल रहा हूं यार, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना वो एडी मार्ग में ही है। उस दिन जब सुबह मैंने घर छोड़कर जाने की जिद की तो टोनी ने मुझे बताया कि शादी के पहले वो
विक्की के साथ कुछ गैर कानूनी काम करता था। और इसलिए आपके और टोनी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। हाँ, लेकिन टोनी ने मुझसे वादा किया था कि वो विक्की से कोई दोस्ती नहीं रखेगा। टोनी से गलती हो गई थी, लेकिन वो सुधरना चाहता था। मैं टोनी से बहुत प्यार करती थी, मैं क्यों मारूंगी उसे? तो टोनी और विक्की की मौत का राज शायद उस चीज में है जिसे विक्की ने एडी मार्ग में छुपाया है। एडी मार्ग। एडी मार्ग पे ये बंद पड़े गोदाम, यहाँ पे गैर कानूनी काम आसानी से हो सकता है। हो सकता है वो चीज उसने यहीं कहीं छुपाई होगी। सर, यहाँ तो चारों तरफ गोडाउन ही गोडाउन है, ये कैसे पता चलेगा कि वो सबूत कहाँ छिपा के रखा है? सारे गोडाउन को नंबर दिए गए 20C, 26K। विक्की के लैपटॉप का डेटा क्रैश होने से पहले एक फाइल में 21B लिखा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने 21B नंबर के गोडाउन में कुछ छिपा के रखा? हो सकता है, 21B देखते हैं। आप और भी सर, ये देखिए 21B। यही है। कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा है। पूरा गोडाउन देखते हैं। ये देखो, नकली पासपोर्ट्स मिले हैं, बाकी बॉक्सेस खाली है सर। और ये फॉरेन करेंसी भी मिली, ये देखिए। यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही थी? ये कैमरा देखा, इसका मतलब कोई हम पे नजर रखे हुए है। सर, ये आवाज सुनी आपने? ये तो ट्रैप है, भागो यहां से। पूर्वी निकलो जल्दी यहां से, भागो। अभिजीत बाहर निकलो। देखो आस पास कोई भंग हो या लकड़ी है क्या? जल्दी अभिजीत। सर, जल्दी ये लीजिए। दे ये पेपर लो। अभिजीत जल्दी। विक्की को पता चल गया था कि हम लोग यहां आने वाले हैं,
इसलिए हमारे लिए बम प्लांट करके रखा था। देखे तो जिस पेपर के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उसमें है क्या? इसमें तो एक आदमी की फोटो है और नीचे लिखा है कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग लीडर रॉकी है, इसे स्पेशल टास्क फोर्स ढूंढ रही है। सर ये रॉकी तो 3 साल पहले सिंगापुर में मारा गया था। हाँ फिलहाल कोई बहुत ही पावरफुल आदमी है रॉकी के नाम से गैंग चला रहा है, तो किसी को पता नहीं कि वो है कौन। पहले किसी भी हाल में हमें इसे विक्की को ढूंढना होगा। सर हम इस विक्की को ढूंढेंगे कैसे? एसीपी साहब? यस सर जी। ओके ओके सर हम लोग देखते हैं सर, देखते हैं। या राजा नाम का एक मुजरिम थोड़ी दिन पहले पुलिस हिरासत से भागा था, उसे ट्रुथ सीरम दिया गया था। ट्रुथ सीरम? तो ये वही आदमी तो नहीं जिसने टेप हाउस के बाहर विक्की को मारने की कोशिश की थी? हो सकता है, ये उसका फोटो है। एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने इसे थोड़ी देर पहले मजीठिया बस स्टैंड की तरफ जाते हुए देखा है। जय छोड़ के भागने के चक्कर में हो गए। चलो पकड़ते हैं इसे मजीठिया बस स्टैंड में। ठीक है कि आप लोगों ने गोली मार दी दीपक को? सर हमें विक्की के पास से जो सबूत मिले हैं उनसे ये साबित होता है कि दीपक ही इस गैंग का लीडर है। जैसे ही दीपक को अरेस्ट करने यहाँ आए उसने हम पर हमला किया, अंदर कांस्टेबल को गोली मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ये वो एविडेंस। इस सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि इस सारे केस के पीछे दीपक का ही हाथ था। राजा सच बोल रहा था, उसने विक्की का खून नहीं किया। अब तो बात साफ है सर, राजा के अलावा कोई और आदमी था जो विक्की को मारना चाहता है। कौन? सर सर विक्की और टोनी के बीच क्या कनेक्शन है उसका पता चल गया है। क्या पता चला? सर नम्रता जी ने बताया था कि विक्की टोनी को कैपिटल के बारे में कुछ कह रहा था। सर इस अखबार में छपा है कि कैपिटल एक म्यूजियम और वहां पर एक केस हुआ था। 15 साल पहले कैपिटल म्यूजियम में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। जी सर। सर इस चोरी में 3 चोर शामिल थे, 2 भाग गए और अभी तक लापता है, और जो तीसरा चोर है आकाश उस पर बाकी के 2 साथियों ने गोली चलाई और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब है विक्की और टोनी इस आकाश के साथी थे और दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। और वो तीसरा चोर आकाश जिसे गोली लगी थी उसका क्या हुआ? सर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वो कोमा में था। सर मुझे तो लगता है ये आकाश विक्की और टोनी से बदला लेना चाहता है। अभी आकाश कहाँ है? वो कोमा से बाहर आया क्या? सर 15 साल तक वो कोमा में था। सर 8 महीने पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई और वो उस आग में चल के मर गया। उसके परिवार वालों में कौन है? हो सकता है उसके परिवार में से कोई विक्की और टोनी को मार के बदला ले रहा है। सर इस अखबार से मुझे उसकी पत्नी और उसके बेटे के फोटो मिली, उसकी पत्नी 3 साल पहले गुजर गई। ये देखो आकाश के बेटे के गले में ठीक वैसी चेन है जैसे हमें उस डॉक्टर के घर से मिली थी। सर अब तक तो आकाश का बेटा बड़ा हो गया होगा, शायद उसी ने टोनी और विक्की को मारा है, लेकिन उस लड़के का पता कैसे लगा है? सर पता लगा लिया, आकाश के बेटे ने अपनी माँ के मौत के बाद अपना नाम बदल दिया और अपना घर भी, और अब उसका नाम है इंस्पेक्टर करण। इंस्पेक्टर करण? मिलेगा कैसे? ये फोटो देखा।
तुझे क्या लगा कि तू मेरे से बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? अरे बेटा, तू भूल गया कि तू तो क्या, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम चाहते क्या हो? तेरी मौत। लेकिन क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे बाप के कर्मों के फल तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे ना। तुझे पता है तेरे बाप ने क्या क्या कारनामे किए? पता है मुझे, वो एक क्रिमिनल थे, लेकिन इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुमने किया, और दीपक सर, उन्हें भी तुमने ही फंसाया है, यहां तक कि तुम्हारे आदमियों ने उन्हें मार डाला। बराबर। दीपक सर को मेरे ही आदमियों ने मारा, वो इसलिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसीलिए मैंने तेरे दीपक सर को रास्ते से हटा दिया। और खुद डीसीपी बन के आ गए। अरे वाह, अरे तू तो बहुत समझदार है ना? लेकिन एक बात सुन ले, मुझे विकी को ढूंढ के वो सारे सबूत मिटाने थे जो तू यहां लेकर आया अपने साथ। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और याद रखना कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा नहीं बचोगे तुम। बॉस, सब काम हो गया, सबूत था उसे भी मिटा दिया, बस एक काम बचा है थोड़ा सा, वो भी यहां से निपटा के हम लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे यहां से। ओके बॉस। ये क्या बस? ए भिखू, जरा देख गोली किसे चलाई। गोली मैंने चलाई है। कौन है तू और क्या चाहता है? करण, इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। पहले तू ये बता कि तू है कौन और यहां मरने के लिए काय को आया है? एक बार जो मर चुका हो ना, दूसरी बार उसे ऊपर वाला भी नहीं मार सकता। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है, एक बार अपनी आंखों के सामने से धोखे का पर्दा हटा कर देखो, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। पर्दा अब हम हटाएंगे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मिस्टर समीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम समीर नहीं, आकाश है। 15 साल पहले इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा अच्छा, तो 15 साल पहले कैपिटल म्यूजियम में जो चोरी हुई थी, उसके तीसरे चोर तुम हो? ये कौन है? मेरा बेटा है करण। अरे तीसरा आदमी कौन है? मैं बताता हूं मैं कौन हूं। उठा लूंगा इसको, सब लोग अपने हथियार फेंको वरना मार दूंगा इसको। नहीं, कोई भी चलाना, तुम यहां से बच के बाहर नहीं जा सकते। अब लोग अपने अपने हथियार फेंको, ये तो ठोका लूंगा इसको। ओके ठीक है। मैंने ही सारे खून किए हैं। क्यों? अपनी असलियत छुपाने के लिए। कैसी असलियत? मैं बताता हूं इसकी असलियत। मैं, टोनी और विकी, हम तीनों मिलकर चोरियां किया करते थे। ये हमारा बॉस था, हम लोग इसके लिए काम किया करते थे।
विकी और टोनी को क्यों मारा? मगर उन दोनों ने इसके कहने पर मुझे मारने की कोशिश की थी। ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मुझे उन दोनों से बदला लेना था। मैं उन्हें ये महसूस कराना चाहता था कि जिंदा रहते हुए भी मरे हुए का एहसास क्या होता है। इसलिए उस मकड़ी के जहर का इस्तेमाल किया तुमने? हाँ। मगर तुम विकी तक पहुंचे कैसे? वहां तो पुलिस का पहरा था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडर को रिमोट के जरिए विकी तक पहुंचा दिया। उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा था। उस स्पाइडर ने विकी को काट लिया। उस सारा जहर विकी के अंदर फैल गया। तुम तो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में तो आग लग गई थी, तो बच के कैसे निकले? तो जिस समय आग लगी ना, उस समय मैं होश में आ चुका था। मैं वहां से भाग निकला। मेरी पत्नी मर चुकी थी। मैं अपने बेटे से भी अनजान था। तुम इस आकाश को क्यों मारना चाहते हो? आकाश एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और ये मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ जानता था। गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसका पाप उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ही देता है। फांसी होगी तुम दोनों को। Want to enjoy more case files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.